हेलो दोस्तों, आप अपने आसपास जरा देखिए, आपको सीमेंट से बनी हुई कोई ना कोई चीज जरूर दिख रही होगी, फिर चाहे वह दीवार हो या सड़क। आज के समय ज्यादातर निर्माण सीमेंट से होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सीमेंट किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि सीमेंट कैसे बनता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सीमेंट बनने की शुरुआत होती है चूना पत्थर की खदानों में ब्लास्ट करने से। इसके लिए एक्सपीरियंस्ड वर्कर चट्टानों में छेद करके उसमें डायनामाइट जैसे एक्सप्लोसिव लगा देते हैं और सेफ्टी के लिए सारे एरिया को खाली करा लिया जाता है। इसके बाद 80 से 100 मीटर की दूरी बनाकर कंट्रोल्ड तरीके से ब्लास्ट किया जाता है। धमाके के बाद जेसीबी जैसी मशीनों की सहायता से चूना पत्थर को डंपर ट्रक में लोड करके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजते हैं और इसे प्राइमरी क्रशर मशीन में डालते हैं, जहां पर यह मशीन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इन क्रश किए हुए पत्थरों के टुकड़ों को एक प्री होमोजनाइजेशन स्टोर में ढेर लगाकर रखते हैं। इन पत्थरों में लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर के अलावा भी कई सारे मिनरल पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और लैब में जांच करने के बाद इसमें जरूरत के अनुसार एडिटिव्स मटेरियल डाले जाते हैं, जैसे कि क्ले यानी चिकनी मिट्टी, रेत, आयरन ऑक्साइड का पाउडर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड ही वह चीज होती है जिसकी वजह से सीमेंट का रंग ग्रे यानी स्लेटी कलर का होता है। अब इन सबको मशीनों की सहायता से अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे रोलर ग्राइंडिंग मशीन में भेजते हैं। यह मशीन इन सबको अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह पीस देती है और इसका पाउडर बना देती है, जिसे रॉ मिक्स कहते हैं। इस पाउडर को होमोजनाइजेशन साइलो यानी टैंक में रखते हैं और आगे बढ़ने से पहले फिर से इसका लैब टेस्ट करते हैं, ताकि इसका केमिकल कंपोजिशन ठीक है या नहीं पता चल जाए, जहां से फिर इसे प्री हीटर टावर में भेजते हैं। इसकी ऊंचाई 100 मीटर के आसपास होती है। प्री हीटर में इसे किलन में जाने से पहले 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके लिए रॉ मिक्स को टावर के ऊपर से डालते जाते हैं और ग्रेविटी के कारण यह अपने आप नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन नीचे से आने वाली गर्म हवाएं इसे गर्म कर देती हैं, जो कि असल में किलन भट्टी से निकली एग्जॉस्ट गैसें होती हैं। इस तरह से शुरुआती तौर पर गर्म करने से ईंधन की भी बचत होती है। जब यह रॉ मिक्स या पाउडर नीचे पहुंचता है तो इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां से फिर इसे रोटेटरी किलन में भेजते हैं, जो कि एक घूमती हुई भट्टी होती है जिसकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। इस भट्टी के अंदर एक बर्नर फ्लेम यानी लौ जलती रहती है, जिसका तापमान 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह भट्टी एक एंगल पर झुकी होती है ताकि पाउडर आगे बढ़ता रहे, और यह भट्टी एक मिनट में 2 से 4 बार घूमती है। जैसे ही रॉ मिक्स का पाउडर क्लिन के अंदर पहुंचता है, इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब यह 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब यह पिघल जाता है और सारे केमिकल आपस में रिएक्ट करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने पर यह जमने लगता है। पर लगातार घूमते रहने के कारण यह एक साथ नहीं जमता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जम जाता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। यह क्लिंकर जब घूमती हुई भट्टी से बाहर निकलता है, तब इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इसके लिए इसे क्लिंकर कूलर से गुजारते हैं, जो इसका तापमान जल्दी कम करके 100 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। वहां से फिर यह क्लिंकर स्टोरेज में पहुंचता है, जहां पर हजारों टन क्लिंकर को बंद जगह पर रखा जाता है, ताकि इमरजेंसी में अगर प्लांट बंद भी हो जाए तो भी स्टोरेज की वजह से लगातार सीमेंट बनता रहे। फिर यह क्लिंकर पहुंचता है बॉल ग्राइंडिंग मशीन में। इस मशीन में इसके नाम की तरह ही हजारों स्टील बॉल डली होती हैं, जिसके बीच में से क्लिंकर के टुकड़े घूम घूम कर आटे की तरह महीन पिस जाते हैं। इसी समय इसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देते हैं। जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है, ताकि काम करने में आसानी हो और दरारें ना पड़े। और अगर पीपीसी सीमेंट बनाना हो तो इसमें
20-30% कोयले की फ्लाई ऐश भी ऐड कर देते हैं, जो कि एक तरह की राख होती है। इसके बाद पिसे हुए पाउडर को सेपरेटर मशीन से गुजारते हैं, जो महीन पाउडर को छानकर अलग कर देती है और बाकी पार्टिकल्स को फिर से बॉल ग्राइंडिंग मशीन में भेज देती है दोबारा पिसने के लिए। अब जो पाउडर हमें मिला है वही सीमेंट है, जिसे हम सीमेंट साइलों में रखते हैं, जहां पर हजारों टन सीमेंट को रखा जाता है। इसके बाद इस सीमेंट को प्लास्टिक बैग या बोरे में पैक करते हैं, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक सीमेंट फिलिंग मशीन में भरकर लगातार बैग लगाते जाते हैं और मशीन इसमें सीमेंट भर के पैक करती जाती है। लेकिन कई बार बड़ी कंस्ट्रक्शन जैसे कि ब्रिज, डैम आदि बनाने के लिए सीमेंट को डायरेक्ट सीमेंट टैंकर में भरकर या ट्रेन में भरकर भेजते हैं। तो इस तरह से बनता है सीमेंट। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।